हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल जी निशु पर स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 की, जो कि आपके संशोधित विज्ञप्ति रिलीज हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपके कितने पद बढ़ाए गए हैं और पिछले जो पद भरे गए थे उन कैंडिडेट को आप संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और इसमें और क्या डिटेल्स हैं वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल जी निशु को सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे जो भी न्यू वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम इसकी साइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज एंड नोटिफिकेशन, जो कि RSS की साइट पर यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 रेकमेंड एडवाइजमेंट। तो यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कृषि परिवेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2021। तो इसमें देखिए, पहले हम देख लेते हैं पद कितने बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पद इसमें जो कि 1160 पद इसमें अनुसूचित क्षेत्र हेतु कृषि परिवेशक के नवीन 212 पदों कुल जो कि 1372 पदों को शामिल कर अब 2254 पदों हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो कि 2002 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 252 पद इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यहाँ पर अब टोटल इसमें आपके 2254 पदों पर ऑनलाइन भर्ती होगी। और फिर इसमें आपके ऑनलाइन फॉर्म डेट बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फॉर्म रीओपन हो गए हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम इसमें आगे क्या और डिटेल्स क्या है। तो पूरी डिटेल्स आपको वीडियो पर मिलने वाली है, तो वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाएं और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपके क्या बताए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अपने जो कि पिछले फॉर्म आपने अप्लाई किए तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने जो कि 5/2/2021 के अनुसार आवेदन किए थे, वह पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन अपनी श्रेणी के संबंध वांछित संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि EWS को साथ में लेकर इसमें आपके संशोधन किया जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के अवसर दिया जाता है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे, लेकिन अब पात्र ताकि शर्तें पूरा करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना इस संशोधन विज्ञप्ति के अनुसार इसमें मानी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आप इसमें 8 जुलाई से इसमें आवेदन शुरू हो गए हैं, 22 जुलाई तक इसके आवेदन भरे जाएंगे, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी आगे की और डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको कोई भी जानकारी इसके बारे में और चाहिए तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें।